नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है यूनिवर्स पावर हीलिंग बाय नीलम चैनल में। आई एम रीकी ग्रैंड मास्टर नीलम। आज हम इस वीडियो में जानेंगे ओम का उच्चारण किस तरह से करना चाहिए। ओम का उच्चारण करते समय आप एक शांत जगह बैठने की व्यवस्था बना लें। आरामदायक अवस्था में आप बैठ सकें, ऐसी जगह आप बैठें। ओम मंत्र का उच्चारण करने के लिए आपको स्वच्छ एवं साफ और शांत जगह में बैठना चाहिए। अगर आप जमीन पर बैठना चाहते हैं तो नीचे आसन बिछा लें, आसन के ऊपर आरामदायक अवस्था में बैठें, या आप चेयर पर भी बैठ सकते हैं। जहां आप आरामदायक महसूस करें ऐसी जगह बैठें। अपने आप को एकदम शांत रखें। पहले आप धीरे धीरे सांस लें। श्वास अपने नाक से लेते हुए गले से नीचे उतरते हुए, सीने से नीचे उतरते हुए नाभि तक जाने दें और पेट में पूरी तरह श्वास को भर जाने दें। अब धीरे धीरे श्वास को वापस छोड़ें। इस तरह आप 5 बार करें। धीरे धीरे सांस लें, पेट में भर जाने दें। अब धीरे धीरे अपनी सांस को छोड़ें। फिर से धीरे धीरे सांस लें, सांस को पेट में पूरी तरह से भर जाने दें। जब भी आप सांस लेते हैं आपका पेट बाहर की तरफ आना चाहिए। अब आप सांस धीरे धीरे वापस छोड़ें। जब भी आप श्वास बाहर छोड़ेंगे तो आपका पेट अंदर की तरफ जाएगा, और जब भी आप श्वास लेंगे तो आपका पेट बाहर की तरफ आएगा। अब आप श्वास को अंदर लें, श्वास को पूरा पेट में भर जाने दें, और अब आप ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे श्वास छोड़ते हुए।
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी डिटेल दी गई है, जिस पर आप अपना कमेंट लिख सकते हैं या कुछ क्वेश्चन पूछना है तो आप कॉल या मैसेज भी कर सकते हैं। वेबसाइट की डिटेल नीचे दी गई है। अगर आपको कोर्स संबंधी कोई भी जानकारी लेनी है तो आप मेरी वेबसाइट में जाकर देख सकते हैं कोर्स की क्या फीसेस हैं और कोर्स करने के क्या लाभ हैं, और कोर्स के सारे डिटेल भी वहाँ मौजूद हैं। थैंक यू।